हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको कुछ इस तरह की एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो ये एडिटिंग मुझे थोड़ी यूनिक लगी और अलग लगी, तो इसके लिए मैं आपका ट्यूटोरियल ले आया हूँ। तो जिसने भी अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जाके फॉलो कर ले। वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ, नई नई अपडेट देता रहता हूँ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को सेव कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आ गए हम अपनी गैलरी में। गैलरी में यहाँ से हम पिकार्ट में फ़ोटो शेयर करेंगे, फ़ोटो शेयर करेंगे यहाँ से हम। आप ऐसे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकते हो, यह बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, आप फ़ोन से भी फ़ोटो खिंचा सकते हो, आजकल तो फ़ोन से ही बहुत अच्छी फ़ोटो आने लगी हैं। तो पहले मैं ले लूँगा पीएनजी। ये पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा। तो ये पहले पंख वाली पीएनजी में लगाऊँगा। तो इसकी थोड़ी सी इसको थोड़ा इरेज कर लेंगे, पहले सेट कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसको थोड़ा इरेज कर लेंगे। आप इसकी ओपेसिटी कम करके इरेज करना तो सही रहेगा। मैं आपको दिखाऊँगा अभी, इरेज कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीकी से करना है आपको, ताकि ऐसा लगे कि पंख पीछे है। तो हम इसे इरेज कर लेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेंगे। ये देखिए मैं अच्छे से इरेज कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करना। अब मैं इसकी जाके ओपेसिटी कम कर लूँगा पहले, और फिर जूम करके फिर इरेज करना चालू करें। ठीक है, मॉडल के ऊपर से इरेज कर देंगे। उसके बाद इसको राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हो गया देखो। ठीक है, इसको ओपेसिटी बढ़ा देंगे और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। फिर हम इसमें किंग वाली पीएनजी ऐड करेंगे। ये वाली ऐड करेंगे, ब्लेंड पे जाएंगे, स्क्रीन पे जाएंगे और इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर लगा देंगे। देखिए लगा दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये लगा दिया है हमने। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और ड्रॉ में जाके फ़ोटो सेव कर लेंगे। ड्रॉ में गए, यहाँ से हम पहले इसको क्रॉप कर लेंगे, वो थोड़ा बाहर आ रहा था इसलिए मैंने क्रॉप कर लिया है। आप अपनी फ़ोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो अब इसको थोड़ा उसमें जाएंगे, ड्रॉ में जाके इसे सेव कर लेंगे। यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे। तो चलते हैं लाइटरूम की तरफ। हम आगे लाइटरूम में सीधा हम लाइटिंग पे जाएंगे। एक्सपोज थोड़ा बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, एक्सपोज मीडियम रहने देना। इसकी हाईलाइट कम कर देंगे, शेडो बढ़ा देंगे, वाइटनेस की कम कर देंगे और ब्लैकनेस भी कम कर देंगे। अब जाएंगे कलर्स पे आगे से हुई को थोड़ा कम कर देना, सैचुरेशन बढ़ा देना है और ल्यूमिनेस बढ़ा देना है इसका ऑरेंज पे जाके, ताकि हमारे चेहरे पे ब्राइटनेस दिखे। ग्रीन पे जाके हुई कम कर देना है और ल्यूमिनेस और सैचुरेशन बढ़ा देनी है। उसके बाद दोबारा ग्रीन पे गए और दोनों कम कर देने हैं। फिर ब्लू पे भी दोनों कम कर देने हैं और डार्क ब्लू पे भी दोनों कम कर देने। तो देखिए बैकग्राउंड से थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, बैकग्राउंड से चेंज हो गया थोड़ा, तो इसमें थोड़ा पिंक रेड कलर आ रहा है। तो इससे हम यहाँ जाएंगे, इस पर जाएंगे और इसके भी कम कर देंगे सिचुएशन, जिसकी वजह से वो दिखना बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ से गए हम, इसकी सैचुरेशन कम करेंगे। तो देखिए कम हो गया है देखना। ठीक है, देखना कम हो गया है। अब हम जाएंगे इस पर आगे टेक्सचर बढ़ा देंगे, हल्का सा क्लियरिटी हल्की से बढ़ा देंगे। ये डच हल्का सा बढ़ाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हल्का सा बढ़ाएंगे और विनिटेज कम कर देंगे जिससे फ़ोटो थोड़ी डार्क दिखे। उसके बाद इस पर जाएंगे शार्पिंग, पहले इसकी बढ़ा देंगे 40-45 रखना आप,
नॉइस रेडिएशन भी इसकी बढ़ा देंगे। नॉइस रेडिएशन आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से रखना, और कलर रेडिएशन भी बढ़ा देंगे जिससे फ़ोटो में थोड़ी चमक आएगी। तो देखिए देखिए फ़ोटो, देखिए बिफोर और आफ्टर, देखिए फ़ोटो कितनी चेंज आ गया है बिफोर या आफ्टर, देखिए। तो जिसने अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दी, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तो बेल आइकन दबाना ना भूले। चलते हैं अगली वीडियो में।